subscribe to our channel Sin TV HD Cooking Show and press the bell icon for the latest update. आवाज कम करें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मां शेफ फैसल तांडी सुपर कुकिंग शो में सब खैरियत सां हूंदा। तांजी तमाम सुठी रेसिपी सां गॾु तव्हांजे साम्हूं हाज़िर हूंदा आहियूं। जेका रेसिपीज़ ठाहींदा आहियूं शारजा कुकिंग ऑयल सां गॾु वाइटमिन ए ई डी खां भरपूर, लो कोलेस्ट्रॉल आहे, ओमेगा थ्री मौजूदु आहे, बनस्पति गिहु तमामु बहितरीन, जंहिंमें खाधा तमामु सुठा ठहंदा आहिनि। एनएक्स असां सां गॾु आहे, एनएक्स जी ब्रांड तमामु बहितरीन आहे, जंहिंमें जूसर, ब्लेंडर, चॉपर, हैंड मिक्सर, हैंड बीटर वग़ैरह सभु अवेलेबल आहे। एनएक्स जी प्रोडक्ट तव्हां वठो, घर में ईज़ीली तव्हां कुकिंग करे सघो था। ख़ासि कर माइक्रोवेव बि एनएक्स जो वठो, माइक्रोवेव जी ज़रूरत तव्हांखे हूंदी आहे, त तमामु सुठी ब्रांड आहे। अॼु मां ठाहियां पियो सिंधी पुलाउ। सिंधी पुलाउ चिकन में ठाहींदासीं, बीफ में ठहंदो आहे, टाइम जे हिसाब सां मां चिकन में ठाहियां पियो। तमामु मज़ेदार रेसिपी आहे। ऐं तिका मसाला आलू ठाहींदासीं, तिका मसाला आलू यानी तिके जे मसाले में आलू ठाहींदासीं भाॼी पटाटनि जी। ॿई रेसिपी सुभाणे रिपीट हलंदी 12 वॻे। कुकिंग विद शेफ सां मुंहिंजो पेज आहे, स्क्रीन ते नंबर हले पियो, का बि फरमाइश करणी हुजे, कुझु पुछणो हुजे तव्हां पुछी सघो था। आज की जो हम रेसिपी बना रहे हैं शारजा कुकिंग ऑयल के साथ, विटामिन ए ई डी से भरपूर, लो कोलेस्ट्रॉल है, ओमेगा थ्री मौजूद है, बेहतरीन कुकिंग ऑयल, बनस्पति घी, उसके अलावा एनएक्स हमारे साथ है। एनएक्स हर घर की ज़रूरत है, जूसर, ब्लेंडर, चॉपर, हैंड बीटर, हैंड मिक्सर वगैरह सब आप ले सकते हैं, मार्केट में अवेलेबल हैं। आज की रेसिपी मज़ेदार है, सिंधी पुलाव बना रहा हूँ। सिंधी पुलाव डिफरेंट एक रेसिपी है, पहले भी बना चुके हैं लेकिन दोबारा रिपीट कर रहा हूँ ताकि बहुत से लोगों की फरमाइश आ रही थी। टिक्का मसाला आलू बना रहे हैं, टिक्का मसाला आलू बहुत ही मज़े की रेसिपी, ग्रेवी सॉस के साथ बनाऊंगा, या वाइट राइस के साथ खा सकते हैं, पराठे के साथ खा सकते हैं। दोनों रेसिपीज़ कल 12 बजे रिपीट चलेंगी। कुकिंग विद शेफ ऐसा मेरा पेज है और स्क्रीन पे नंबर चल रहा है, कोई भी फरमाइश करनी हो आप कर सकते हैं नंबर पे कॉल करके। किचन में हलंदासीं, रेसिपी स्टार्ट कंदासीं। अच्छा, पुलाव मां ठाहियां पियो चिकन में, अगरि तव्हां बीफ में या बकरे जे गोश्त में, मटन में ठाहिणु चाहियो त पोइ गोश्त खे ॻराइण जो तरीक़ो तव्हांखे ख़बर हूंदो, उहो मां वर्बली बि तव्हांखे ॿुधाए छॾंदमि, ठीकु है। बीफ मैं नहीं बना रहा हूँ, मैं चिकन में बना रहा हूँ। वैसे ये बीफ में और मटन में बनता है पुलाव, ठीक है। सबसे पहले चावल भिगो के रखने हैं 20 मिनट 25 मिनट आपने बासमती चावल अच्छे से लेने हैं, उसको भिगो के रखना है, ठीक है। चावर तक खड़ो सुठा बासमती चावर हल्के पिसाए रखो। शारजा कुकिंग ऑयल खड़ासी अध कप, ठीक है, आधा कप लेंगे शारजा कुकिंग ऑयल। पानी ड्राई कर लेता हूँ चूल्हा तेज़ करके। इसमें हम डालेंगे शारजा कुकिंग ऑयल और एक बड़ा प्याज या दो दरमियाने साइज़ के प्याज जाएंगे, ठीक है। एक गंढ वड़ी बसर जी या ब नंढी गंढ बसर जो दरमियाने साइज़ जो इनमें विझंदो और उनके कंदासी गोल्डन ब्राउन यानी गाढ़ो कंदासी बसर के। अध कप खयो शारजा कुकिंग ऑयल, ठीक है। आधा कप लिया शारजा कुकिंग ऑयल। जब ऑयल गर्म होगा यहाँ पर हमने क्या करना है, प्याज को करना है फ्राई गोल्डन कलर में, ठीक है। प्याज को हमने गोल्डन कलर में फ्राई करना है। जब प्याज फ्राई होगा इसका मसाला डिफरेंट बनता है, देसी तरीके से बना रहा हूँ। इमाम दस्ते में ये कूटा जाता है लेकिन इसको मैं चॉपर ग्राइंडर में पीसूंगा, ठीक है। बसर हिते गाढ़ो थींदो, ब गंढ बसर दरमियानी साइज़ जी या एक वड़ी गंढ खणंदो। ऑयल जी गरम थियो इनमें बसर विझंदासीं जेसि ताईं बसर असांजो थींदो गाढ़ो। हिते असां मसालो हिकिड़ो पीसंदासीं उखरे मोरे में, जीअं देसी तरीक़े सां ओरिजिनल रेसिपी ठाहियां पियो। हिन लाइ असां छा छा खणंदासीं, हिन लाइ असां खणंदासीं अदरक, थूम, अदरक जी हिकु इंच जी टुकड़ी खणी वठिजो, ठीक है। अदरक ले ली, एक इंच का पीस ले लें और उसके पीसिस कर लिए। 5 जवे लहसुन के हैं, 4 अदद हरी मिर्च हैं, ठीक है। ये हैं 5 गड़ियूं थूम जूं, अदरक हिकु इंच जो टुकड़ो वॾो खणिजो, जो पीसिस कजो, 4 अदद सावा मिर्च आहिनि। हिते साबित गरम मसालो आहे जंहिंमें 2 वॾा फोटा, 4 नंढा फोटा, 1 चांहि जो चमचो अछो ज़ीरो, 1 चांहि जे चमचे जेतिरा 12-15 अदद साबित कारा मिर्च ऐं लौंग 4 अदद, दार चीनी जी 1 वॾी डंडी विधी आहे, ठीकु आहे। ऐं अछो ज़ीरो 1 चांहि जो चमचो। साबित गरम मसाले में क्या है, 2 बड़ी इलायची, 6 छोटी इलायची, साबित काली मिर्च 12-15 अदद, 4 अदद लौंग, 1 अदद दार चीनी बड़ी या 2 छोटी ले लें और 1 चाय का चम्मच सफ़ेद ज़ीरा। इसके साथ 1 अदद तेज़ पत्ता है, ठीक है। तेज़ पत्ता हम यहाँ पे डायरेक्ट डाल देंगे प्याज में, तेज़ पत्तो बसर में हम डायरेक्ट विझी छॾियो आहे जेसि ताईं बसर असांजो थिए पियो फ्राई, ठीकु आहे। हिते मसाले खे ग्राइंडर में पीसे छॾंदासीं एनएक्स, ठीक है, एनएक्स के ग्राइंडर में इसको पीस लेंगे। पूरा मसाला दोबारा इसमें बता रहा हूँ क्या क्या जा रहा है। 4 अदद हरी मिर्चें, हरी मिर्चों को हल्का सा कट लगा के डालते हैं। 4 जवे लहसुन के,
मोटे वाले अगर देसी हैं तो फिर आपने वो, और अदरक का एक इंच का बड़ा पीस था उसको छोटे पीसेस कर लें, ठीक है। उखरी मोरी में भी कर सको तो माँ इतन के ग्राइंडर में पीसा, पर चाहे स्टूडियो में ये यूज़ ना था कर सकूँ। चार अदर सावा मिर्च पीसेस करें, बारीक वारा इन वड़ा तिखा इन, ठीक है। चार का वधिक ना विझो, इलाही स्पाइसी को थी विंदो, ठीक है। हरी मिर्च चली गई, साबित गरम मसाला इसमें चला गया। ये सब चीज़ें हमने डाल के, और थोड़ा सा पानी डालूंगा, 1 टेबल स्पून, इसमें ज़्यादा नहीं। एक खंड जो चमचन में पानी विझी छो, इनके बंद करदासी। नेक्स्ट जो ग्राइंडर है मोट, ठीक है, जो मैं तक चाहिए वो घर में ईजीली तुम कुकिंग में यूज कर सको था। इसको हमने मोटा मोटा पीस लेना है। पीसणो है, ठीक है, ताकि सुठा सा इनका पीसिस थी वन साबित ना रहे। साइड इसका पलटते रहे, यहाँ पे ऑप्शन दिए हैं, वो आप जब बुक लेंगे तो आपको अंदाजा हो जाएगा, ठीक है। एक बार फिर चलाते हैं। अभी ये ऐसा हो गया जैसे हमने कूटा हुआ इसको, ठीक है जी। अद्ध कुटियल हों उन तरीके से ये तैयार थी जो है। अब हम क्या करेंगे, जब प्याज ब्राउन होगा ये साबित गरम मसाला और चिकन इसमें डालेंगे, ठीक है। इसी तरीके से आपने ग्राइंडर नहीं है तो इमाम दस्ते में कूट लें, ठीक है। ये बिल्कुल देसी तरीके से मैं बना रहा हूँ सिंधी पुलाव। बसर इतने गाढ़ो थे पे, कलर चेंज थी, एक अदर तेज पत्तो मुँह विधो है, खुशबू ले जाएंगे अंदर, ठीक है। खुशबू इसके अंदर आ जाएगी, तेज पत्ता आपने प्याज के साथ ही डाल देना, प्याज का कलर चेंज होने लगेगा। अब हम यहाँ पर डालेंगे चिकन, आधा किलो है, ठीक है। आधा किलो चिकन इसमें जाएगी जब प्याज का कलर चेंज होने लगेगा। अभी मज़ीद चिकन के साथ प्याज ब्राउन हो जाएगा, हाफ जब ब्राउन हो जाए प्याज तो फिर इसमें चिकन हमने ऐड कर देनी। आधा किलो चिकन डाल दिया, चिकन को 2 मिनट भूनेंगे, ठीक है। चिकन के बसर से गड इनमें फ्राई कर दो, बिल्कुल ट्रेडिशनल तरीके से खाए तो, ठीक है। बिल्कुल ट्रेडिशनल जो ऑथेंटिक रेसिपी है सिंधी पुलाव वो बना दो। चावल भीगे में, चावल को 15 से 20 मिनट पहले आपने भिगो देना। हाँ जब चिकन जो दिसन दो कलर चेंज थे लगन दो, थोड़ा इनके 3-4 मिनट ऑयल से गड फ्राई कर दो, ठीक है। पहले चिकन को ऑयल के साथ आपने फ्राई करना है, जब तक हम ये मसाला जो पीसा हुआ था ये निकाल लेते हैं, ठीक है। मसाला यहाँ पर निकाल लेते हैं। इसमें 4 अदद हरी मिर्चें, 1 इंच का टुकड़ा अदरक का था, और 4 जवे मोटे वाले लहसुन के थे। देसी लहसुन है, बारीक वाली तो 6 से 8 ले लें, ठीक है। और उसके साथ दालचीनी की 1 डंडी थी, और बड़ी इलायची 2 थी, ठीक है। छोटी इलायची 4 से 6 डाली थी, और सफ़ेद ज़ीरा 1 चाय का चम्मच, साबित काली मिर्च 10 से 12-15 दाने थे, और 4 अदद लौंग थी, ठीक है। तेज़ पत्तों जो है बसर में, ये हो गया हमारा मसाला ज़बरदस्त सा तैयार, जो देसी तरीके से पीसा हुआ, ठीक है। बसर गाढ़ो थे पे, हमें अद्ध गाढ़ो थी वे, अद्ध कप शारजा कुकिंग ऑयल खो, हमें 1/2 किलो चिकन विधी, पहली तेज़ पत्तों बसर के गाढ़ो कजो, 1 तेज़ पत्तो वही छो। चिकन हमें 3-4 मिनट फ्राई थी वही, चिकन जो कलर चेंज थे पे, ठीक है। मसालो छा पीसो, 4 घड़ियों थूम जो मोटी वाली, अगर बारीक देसी आए तो 6 का 8 खड़ी वो, अदरक जो 1 इंच जो टुकड़ो नंढा नंढा पीस करजो, और उनका 4 अदद सावा मिर्च, 1 दालचीनी की वही डंडी, 4 अदद लौंग, 6 अदद नंढा फोटा, 2 अदद वड़ा फोटा, 1 चाय जो चमचो अछो जीरो, कारा मिर्च साबित इनमें विझी छड़ा तकरीबन 12 का 15 धाणा, अछो जीरो 1 चाय जो चमचो, साबित गरम मसालो साओ मसालो मिलाए पीसे छो, अदरक थूम सा, ठीक है, या कुटे छो खरी मोड़ में। पीसने के बाद अब जब आप देखेंगे चिकन का यहाँ पे कलर चेंज हो गया है, तो हम इसमें सारा साबित गरम मसाला और अदरक लहसुन हरी मिर्च का पेस्ट ये पूरा बना हुआ इसके अंदर ऐड कर देंगे, ठीक है। ये पूरा इसके अंदर ऐड कर दिया। इसको ऐड करने के बाद इसको हल्का सा भूनेंगे, ताकि जो मसाला पिसा हुआ है अदरक लहसुन हरी मिर्चें वो इसका फ्लेवर इसमें आ जाए, चिकन में और प्याज में ऑयल में, ठीक है। जो साबित गरम मसालो विधो उन जो फ्लेवर जो कुटे सब विधो है जो फ्लेवर गोश्त में अची वे। हाँ कंदासी इनमें विझंदी असा पटाटा, आलू डालेंगे यहाँ पे। जब आप देखेंगे उसमें खुशबू आने लगी है, 1-1 आलू के 4 पीस किए हुए, दरमियाने साइज के आलू थे, मैंने 2 आलू ले लिए थे, 8 पीस काफ़ी हैं। अपने ज़्यादा डालने तो आप डाल सकती हैं, ठीक है।
बड़े मीडियम साइज़ के चार दो आलू थे, उसके चार चार पीस कर दिए, छील के पानी में भिगो के इसलिए रखते हैं कि काले ना पड़ जाए। ठीक है, पटाटा विझी छड़िया, पटाटन के 2 मिनट इनका गट फ्राई कंदा से। ठीक है, आलू को 2 मिनट इसके साथ मिक्स करें। अब इसमें डालेंगे पिसे हुए मसाले। ठीक है, हाँ पीठल मसाला इनमें विंदा, पीठल मसालन में छा विझंदा से। 2 मिनट आलू पक रहे हैं, अब हम इसमें डालेंगे पिसे हुए मसाले, जो घर के नॉर्मल पिसे हुए मसाले होते हैं। ठीक है, यहाँ पे जाएगी 1 चाय का चम्मच पिसी हुई लाल मिर्च, 1 चाय का चम्मच हल्दी पाउडर भरे हुए चंदा से, 1 चाय जो चम्मच पीठल हाइड, 1 चाय जो चम्मच पीठल गाढ़ा मिर्च, 3 चाय जो चम्मच पीठल धाना, 3 चाय के चम्मच भर के डालेंगे पिसा हुआ धनिया। ठीक है, लूण इनमें केतरो विंदो, 1 खाइण जो चम्मच, 1 टेबल स्पून और आधा टेबल स्पून, 1.5 खाने का चम्मच नमक डाल दिया मैंने। ठीक है, 1.5 खाने का चम्मच नमक दिया क्योंकि राइस के हिसाब से नमक डाला है। इसको भूनेंगे। पीठल गाढ़ा मिर्च 1 चाय जो चम्मच, कुटियल गाढ़ा मिर्च और सॉरी हाइड 1 चाय जो चम्मच, पीठल धाणा इनमें विझंदा से 3 चाय जो चम्मच, लूण 1.5 खाइण जो चम्मच, पंजे हिसाब से बिल्कुल सही आए लूण, अगर तुम्हें घट लगे तो पता थोड़ो बताई सको। तो कॉल बैठ होता। अस्सलाम वालेकुम। जी कह रहे हैं कि था गला बिल्कुल ठीक था जी जी यदि हाल है ताजा अलहमदुल्ला दुआओं ताजो आलू बुखारे वाली जी 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 ठायो ता किए लगो ता के मेहरबानी अंब की खटाण। ठीक है, सुबह परी ठाई था। ठीक है, हलो ठीक है इंशाल्लाह। हिंसर मैं सिंधी पुलाव ठाया पो चिकन में उन गाया पो टिक्का मसाला आलू ठाईद हाँ हलो। ठीक है, मैं रिपीट कराया तो टीवी वो। ठीक है, ओके थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। अच्छा, इसको मसाला डापी सा हुआ मसाला डाल के भूना है 2-3 मिनट ताकि ऑयल ऊपर आ गया। अब हम इसमें डालेंगे 2 बड़े टमाटर चॉप करके, हाने भी जंदा सी बड़ा टमाटा कटिंग करे जड़े मसालो इनसा गज फ्राई थी वियो भुनी जी वियो, हाने इनमें विधाइन बड़ा टमाटा। ठीक है, 2 टमाटर डाले, टमाटर को भी सॉफ्ट करना है। ठीक है, मज़ेदार ही सिंधी पुलाव है पियो। अब इसमें 2 टमाटर डाल दिए, रेसिपी में दोबारा रिपीट कराऊंगा, कोई चीज़ मिस होती जा रही वो आप छोड़ते जाएं, नीचे से लिखते जाएं, फिर जहाँ जहाँ रेसिपी मिस होती है वो छोड़ दिया करें पोर्शन, फिर जब मैं रिपीट कराता हूँ तो आप दोबारा उसको लिख लिया करें। ठीक है, जैसे मैं रेसिपी रिपीट कराइंदो आया तो जेको तां लिखंदा वेंदा आयो किथां रहिजी थी वञे का शइ छॾे वठंदा कि मैं बार बार रिपीट कराइंदो विच जो पोर्शन वरी दिखी छंदा को ॾिसी। टमाटर जैसे इसमें सॉफ्ट होने लगेंगे फिर हम इसमें डालेंगे दही। दही कितना जाएगा? आधा पाव। टमाटर को 3-4 मिनट इसी तरह भूनेंगे। ठीक है, दही डालेंगे इसमें आधा पाव, दही को फेंट के डालेंगे, अध पाव दही है। ठीक है, दही के चंगी तरह फेटन दो, दही को अच्छा सा बीट किया, दही बीट करने के बाद ये पूरा दही इसमें चला गया, आधा पाव दही। ठीक है, और अच्छा ट्रेडिशनल जो रेसिपी उसमें दही नहीं डलती है, लेकिन ज़्यादा टेस्टी करने के लिए मैंने इसमें दही डाला है। ठीक है, वैसे ओरिजिनल रेसिपी में दही नहीं डलती लेकिन मैंने इसमें डाली है। दही मैं पान ऐड कई है इनके अंदर, हूँ विझन विझ भी ना है गोठन में ठंडी होते ना विझंदा है, लेकिन मूँ विधी है इनका ज़बरदस्त इनजो फ्लेवर इंदो। ठीक है जी मामा, दही ब्रेक पर जाने से पहले एक चीज़ दिखा दूँ, दही डाल दी। ठीक है, दही डालने के बाद जो प्याला था जिसमें हमने मसाला निकाला था उसी में आधा कप मैंने पानी डाल दिया। ठीक है, जो मसालों प्याले मसालों विदो उनमें अध कप पानी विजी मैं इनके कवर के यहाँ पे आधा कप पानी डाला है, ज़्यादा पानी नहीं डालेंगे, इसको कवर कर रहे हैं, एक शॉर्ट ब्रेक पे जा रहे हैं। ठीक है, हे 10 मिनट ला छूँ था इनके कवर करी चिकन ही पटाटा गरी वींदा करी शॉर्ट ब्रेक वटूँ था, ब्रेक का पोची कंटिन्यू करना से। दिल चाहे और क्या, शारजा शारजा कुकिंग ऑयल, शारजा वनस्पति घी, विटामिन ए ई का भरपूर लो कोलेस्ट्रॉल ओमेगा 3 मौजूद है, बेहतरीन कुकिंग ऑयल इनमें ठाई पे अज सिंधी पुलाव मज़ेदार रेसिपी ठाई पे उन सा गुड ठाईदी हाँ
टिक्का मसाला आलू, ठीक है, टिक्का मसाला आलू बनेगा और सिंधी पुलाव बन रहा है। मुझी रेसिपी रिपीट कराएं तो पो टिक्का मसाला आलू तो जैसे ऐसे चिकन टेंडर थी वने, ठीक है, चिकन जब तक गल जाए इसमें थोड़ा इसका पानी ड्राई हो जाए, इसको मैंने कवर कर दिया था हाफ कप पानी डाल के और दही के पानी में चिकन और आलू गल जाएंगे। रेसिपी रिपीट कराया पो सिंधी पुलाव ला असें छह खपे। असं सभी का पैं खी एक अदरक जो टुकड़ो, एक इंच जो चार गड़ियों थूम जो, चार अदद सावा मिर्च, एक दालचीनी, वड़ा फोटा, चार नंडा फोटा, चार अदद जी पहले कॉल वूँ था। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, वालेकुम सलाम जी, कह रहे कि गलो पा जी, हाल है तुम? बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह। कुछ चैन चाहिए को फरमाइश है ताजी? वरी बुधाए जो छाशे जो चौपिया ओके जी, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। अच्छा मसालो जो बुधा पो, ठीक है, जैमें अस अदरक एक इंच टुकड़ो कर, चार गड़ियों थूम जो, चार गड़ियों खड़ी उनमें थूम जो, चार अदद सावा मिर्च, एक दालचीनी की डंडी, ब वा फोटा, चार नंढा फोटा, चार अदद लौंग, एक चाय जो चमचो यानी 10-12 अदद साबित कारा मिर्च, एक चाय जो चमचो अछो जीरो, एक दालचीनी की डंडी, सभी के कुटे वो मसालो टाई साइड में रखी छो, अद कप इतने शारजा कुकिंग ऑयल गरम कर, उनमें एक वही गंड बसर की गोल्डन फ्राई कई, उनके अंदर जो मसालों से कुटे रखो वो विधो, तेज पत्तो एक अजद वी छो, उनके थोड़ा 2 मिनट फ्राई कजो, खुशबू अची वे, इनमें विधि चिकन अद किलो या बीफ या मटन विझण चाहे तो वो विझो, उनके 2 मिनट फ्राई कौ, उनके अंदर विझो पीठल गाढ़ा मिर्च एक चाय जो चमचो, हेड एक चाय जो चमचो, पीठल धाणा 3 चाय जो चमचा, लूण 1.5 खाने जो चमचो विधो जी, ठीक है, 1.5 खाने जो चमचो लूण विधो, मसाले के भुजन का पो इनके अंदर पटाटा विधा, पटाटा चार अदद चार पीस करी, ब पटाटन के विधो, उनका पो पटाटन के 2 मिनट फ्राई करने का पो इनमें 2 अदद टमाटा विधा चॉप करे, उनके 2 मिनट फ्राई कर, उनका पो दही विधी अद कप, उनके कवर कर 2 मिनट भुजन का पो अद कप पानी विझी इनके मैं कवर कर रखो, इतने चिकन गरी वी, बीफ या मटन है तो 1.5 गिलास पानी विझी उनके कजो, कॉल वूँ था। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं भाई? बिल्कुल ठीक ठाक, कौन कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं भी तनन बात कर रही हूँ, नवाब से। जी जी, मुझे ये पूछना था, जब कि हम राइस पकाते हैं ना, क्या बात, राइस खुलते नहीं है? क्या नहीं खुलते हैं? राइस, राइस वाइट राइस, वाइट राइस खुल टूट जाते हैं जी, ठीक है, उसका तरीका ये है कि जब आप वाइट राइस डालते हैं ना भगार बना के, तो पहले चावल डाला करें, ठीक है, पतीले में, उसके बाद पानी इतना डालें कि 1 इंच पानी ऊपर होना चाहिए उसके ऊपर, ठीक है। और भाई ये पूछना था, हर चीज में ना सुरा हो जाता है, दाल में, आटे में, वो मैं अभी बताता हूँ, ठीक है, बाकी चावल को आप इस तरह बनाएंगी तो वो खुल के बनेंगे, ठीक है, चले ठीक है, ओके अल्लाह हाफिज़। यहाँ पे मैंने इसमें चावल डाल दिए जो भिगो के रखे, चावर जो पिसाई रखे हुआ, जैसे चिकन या गोश्त गरी वो उनमें चावर विझी छा, चावर विझण का पो मैं इनमें पानी विझा पो, ठीक है, हाँ पानी एतो विझासी कि 1 इंच मथे हुए, पानी जो अंदाजो हमेशा एतरा रखा कर, पानी चावर का 1 इंच मथे हुए, उनका न विझा कर, वो छो सफा हलवे वगर चावर थी वादा, ठीक है, 1 इंच पानी इनमें मथे है यो थी, ठीक है। इसकी रेसिपी रिपीट करा रहा हूँ, फिर टिक्का मसाला पे आते हैं। पुलाव में बना रहा हूँ सिंधी पुलाव, उसके लिए आपने पहले मसाला बनाना है, 1 इंच का टुकड़ा अदरक का ले लें, उसके पीसेस कर लें, 4 जवे लहसुन के ले लें, अगर बड़े वाले छोटे हैं तो 6 ले लें, और 4 अदद हरी मिर्चें ले लें बारीक वाली, उसके बाद आपने 1 दालचीनी लेनी है, 2 बड़ी इलायची लेनी है, 4 छोटी इलायची लेनी है, 4 अदद लौंग लेनी है, 12-15 अदद साबित काली मिर्च लेनी है, और सफ़ेद जीरा 1 चाय का चम्मच लेते हैं, इन सबको मिला के कूट लें या ग्राइंड कर लें, साइड में रखें, हाफ कप शारजा कुकिंग ऑयल गरम किया था, 1 बड़ा प्याज गोल्डन फ्राई किया था, उसके बाद तेज़पत्ता भी एक साथ प्याज के डाल दिया था, खुशबू आने लगी, फिर ये पिसा हुआ मसाला उसमें डाल दिया था, मसाला डाल के थोड़ा सा भूना, उसके बाद गोश्त
या चिकन है तो वो आपने डाल देना है, उसको 2-4 मिनट भूनना है, जब उसका कलर निकल के आएगा उसके बाद अगर बीफ या मटन है तो पानी डाल के उसको गला लीजिएगा, पानी खुश्क हो जाएगा तो फिर आपने प्रोसेस करना। मैंने चिकन में बनाया तो चिकन का जब कलर चेंज होने लगेगा फिर इसमें पिसी लाल मिर्च, हल्दी पाउडर 1-1 चाय का चम्मच, धनिया पाउडर 3 चाय का चम्मच और नमक 1.5 खाने का चम्मच डाला था जी, उसको थोड़ा सा भूना था। उसके बाद आलू डाल दें इसमें, 2 आलू ले लें, इसके 4-4 पीस करके वो डाल देते। आलू को 2 मिनट भूनने के बाद उसमें टमाटर डाल देते 2 अदद, उसको चॉप करके डाला टमाटर, जब गल जाएगा उसके बाद आपने दही 1/2 पाव डाल के बीट करके दही को 2 मिनट भूना था। उसके बाद 1 कप पानी डाला था मैंने, इसको चिकन गला दी थी, आलू और चिकन गल गया। उसके बाद मैंने इसमें भिगो के 15 मिनट पहले बासमती राइस रखे थे वो डाले, राइस डाल के मिक्स किया, पानी फेंक के उसके बाद 1 इंच पानी इतना डालना कि 1 इंच ऊपर आ जाए। अब इसकी बॉइलिंग चल रही है जब तक हम लेते हैं कॉल। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। अदी कह रहे हैं कितना गलाओ प्या? यखनी पुलाव इंशाल्लाह जल्द ठाईंदासी, यो सिंधी पुलाव ठाए पर ये भी ट्राई करजो। ठीक है दी, मेहरबानी दी, पंजो ख्याल रखो, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। अच्छा पुलाव को मैं वहाँ पे शिफ्ट कर रहा हूँ और हम एक टिक्का मसाला बनाना है तो उसके लिए हमें क्या क्या चाहिए, अना मैं इनके कवर ना क्यों, एकड़ी बॉइलिंग अच्छी हुई थी पॉइंट के कवर करना सी। ठीक है, इसको मैंने यहाँ पे शिफ्ट कर दिया। अब यहाँ पे हम लेते हैं 1 अदद कढ़ाई, ठीक है, इसमें डालेंगे शारजा कुकिंग ऑयल, आलू बॉयल हैं, ठीक है, वो तरीका बताता हूँ आलू कितने क्वान्टिटी में हमने बॉयल किए हैं। इतने असा विझंदी शारजा कुकिंग ऑयल, पहरी बखंड चमचा, स्टेप बाई स्टेप ऑयल जाएगा, ठीक है, पूरा ऑयल इसमें जाएगा 1/2 कप के जितना, लेकिन अभी मैं 2 खाने के चम्मच डाल रहा हूँ वो ये रेसिपी में, 2 खाने के चम्मच ऑयल वायो शारजा कुकिंग ऑयल, ठीक है। जब शारजा कुकिंग ऑयल गर्म होगा, राइस जब आप बॉइलिंग पे आने लगे तो इसमें स्पून चला लिया करें, क्योंकि राइस खुलना शुरू हो जाता है तो स्पून चलाने से वो यह होता है नीचे दबे ना राइस, ठीक है। अब इसमें डाल दूंगा हरी मिर्चें बारीक 6 अदद पुलाव में जी, 4-6 अदद सावा मिर्च विझी छॾिया, हाणे मां इनखे कवर कयां पियो, ठीकु आहे, कवर करे इनखे मीडियम फ्लेम ते पचण ॾींदासीं, उनखां पोइ इनखे दम ते रखंदासीं। कॉल वठूं था वहीदा शाहीन कराची का। अस्सलाम वालेकुम। बिल्कुल अलहमदुलिल्लाह, अदी तव्हां कीअं आहियो? अदी सिंधी पुलाउ ठाहियो आहे, ठीकु आहे, ऐं हुन सां गॾु मां ठाहियां पियो टिक्का मसाला आलू जी। जी रज़िया सुल्तान, यूट्यूब ते पयो आहे शो वो, तां मुझे पेज तां दिसो पिया, डायरेक्ट दिसो पिया, अच्छा तां पेज में दिसो, मुझे पेज तां दिसो, तां डायरेक्ट दिसो यूट्यूब ते वनी, केडी तारीख हुई संडे वारे दिन जो दिस जो, संडे जो 6 तारीख हुई वो दिसी पोनी जी डेट सा तां दिसी वर जो तां खबर पेजी विंदी, बिरयानी आई वाइट चिकन कढ़ाई लिखे ला जे मथा, ठीक है दी, ओके जी, थैंक यू, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। अच्छा यहाँ पे लहसुन चिली भी कम थी तो मैंने वहाँ यूज़ कर ली, तो इसलिए 3 दाने लहसुन के और डाल रहा हूँ, ठीक है। अच्छा इतने 2 खाने के चम्मच ऑयल गरम कर, 1 बसर जी गंढ खाई, ठीक है, ये विझी छी, लहसुन साबित जाएगी 3 जवे, ठीक है, 3 घणियों थूम जी हली हुई, अदरक जा कुछ पीसेस हली हुआ, इस तरह अदरक के पीसेस डाल दिए, इसमें हरी मिर्चें जाएंगी 4 अदद, ठीक है, और 2 अदद टमाटर चले गए, ठीक है। ये टिक्का मसाला बन रहा है, इसमें मैंने क्या क्या डाला दोबारा बता रहा हूँ, 2 खाने के चम्मच हमने डाला है ऑयल, उसमें 2 अदद प्याज डाल दिए और 1 प्याज डाल दिया बड़ा, 2 अदद टमाटर डाल दिए, 4 जवे लहसुन के डाले, 4 अदद हरी मिर्चें डाली और अदरक हमने इसमें डाल दिए 1 इंच का टुकड़ा कटिंग करके। अति शाजिया इन हाला का। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, आदाब, क्या हो? अल्हम्दुलिल्लाह, कहाँ की हैं अदी? मेहरबानी। बैंगो कुल्फी कीअं लॻी तव्हांखे? हा तमामु बेस्ट, तमामु ज़बरदस्त, सफ़ा टुकड़नि पे लॻी।
हाँ बिल्कुल जबरदस्त हाँ ताजे के भी सही मतलब मैं यूज कर सब मामले में विद यू ब्रेड पिको माउस सब कुछ हेलो सुठी गाल है हाँ, मौसम की है गर्मी है ये था मौसम की है गरम है या हाँ सही आते है अच्छा मिट्टी वाली हवाओं ये जो मतलब हाँ। बारिश अचण वाली है बस अदा दुआ से होता सावण भी बरसात में से हां इंशाल्लाह इंशाल्लाह हां दा बियो अदा ता वा ये लास्ट वीक दा अनाउंस कयो ना ता वो पटाटे जो शरबत खाई सो ता खायो या ना खायो छा जो शरबत आलू जो शरबत ता चयो ना आलू जो शरबत ना ठायो आलू चन जो शरबत आलू बुखारे जो अच्छा माने देखो अच्छा ठीक है वो रेसिपी मैं हाने रिसा तो ब्रेक का पर रिपीट करे छन तमाम आसान है अच्छा आलू बुखार हां आलू बुखार जो आजकल फ्रूट आयल है ना खाइंदा मैरून गाढ़े कलर जा उन्हें जी ड्रिंक थाई भी डाडी सुठी भी अच्छा त लास्ट भी कोई माने था प्रोग्राम समाजा अच्छा ठीक है मां या ता पेश ते दिसी वट जो या खपे तब मां ताके ना शेयर करी वटन या इते बुदाई तो चला ठीक है मैं ताते बुदाई शेयर हां ठीक है ब्रेक का पर हां ठीक है थैंक यू थैंक यू अलग जो लाफिस दोबारा रिपीट करा रहा हूँ टिक्का मसाला आलू बना रहे हैं इसके लिए हमने 2 खाने के चम्मच ऑयल गरम किया एक प्याज डाला 2 टमाटर डाल दिए अदरक का 1 इंच का टुकड़ा पीसेस करके डालिए 4 जवे लहसुन की और 4 अदद हरी मिर्च डाल के इसको नरम कर देना ठीक है ये टिक्का मसाला जो मसालो ठहे पो इन असा खाऊँ 2 खाने के चम्मच शारजा कुकिंग ऑयल ठीक है शारजा कुकिंग ऑयल खाऊँ और उन चावी दो 4 सावा मिर्च 1 बसर कटिंग करे विझो 2 टमाटा कटिंग करे विधा 4 घड़ियों मोटी वाली थूम जो पतली इन तक छह विझो आई अदरक जो 1 इंच टुकड़ो कटिंग करे विधो इनके कवर कर छो ये नरम थी वो इनके पीसे छदासी इतने टिक्का मसाला ठाऊँ था टिक्का मसाला बना रहे होममेड मसाले में इसमें हमने क्या डालना है ठीक है इसमें हमने डालना है पीसी हुई लाल मिर्च 1 चाय का चम्मच धनिया पाउडर 1 चाय का चम्मच हल्दी पाउडर 1 चाय का चम्मच 1 चाय जो चमचो हैड 1 चाय जो चमचो पीठल दाणा 1 चाय जो चमचो पीठल गाढ़ा मिर्च 1/2 चाय जो चमचो लूण 1/2 चाय का चम्मच नमक चला गया जर्दे जो रंग येलो फूड कलर 1/2 टीस्पून से थोड़ा कम चला गया हे आहे देगी गाढ़ा मिर्च अगर ये ना हिन तो बगैर भी ठही वो ठीक है देगी लाल मिर्च ये मिल जाता है पाउडर फॉर्म में कलर बहुत अच्छा आता है खुशबू अच्छी आती है इससे ये 1 चाय का चम्मच भर के डालो नहीं है तो ना डालिएगा इसके बगैर भी बन जाएगा ठीक है कुटी हुई लाल मिर्च जाएगी 1/2 चाय का चम्मच काली मिर्च पाउडर जाएगी 1/2 चाय का चम्मच कारा मिर्च पाउडर 1/2 चाय जो चमचो कुटियल गाढ़ा मिर्च 1/2 चाय जो चमचो देगी गाढ़ा मिर्च ऑप्शनल आइन इनके बगैर भी ठहन अगर आन तो 1 चाय जो चमचो जर्दे जो रंग थोड़ो सो 1/2 चाय जो चमचे का घट वो ये आए गरम मसालो पाउडर में वो 1/2 चाय जो चमचो गरम मसाला पाउडर 1/2 चाय का चम्मच सफ़ेद जीरा कुटा हुआ पाउडर फॉर्म में 1 चाय का चम्मच अच्छो जीरो कुटियल है पाउडर फॉर्म में 1 चाय जो चमचो ठीक है ये सब मसालो कंदासी मिक्स ये बन गया है टिक्का मसाला ठीक है हाँ कंदासी ही टिक्को मसालो असा विझंदी पटाटन में इनमें विझंदी 1 खाने जो चमचो बाकी असा मसाले में विझंदी ठीक है टिक्का मसाला जो मैंने बनाया है इसमें से 1 टेबल स्पून लेंगे हम भर के जो हमारे पास आलू हैं या 1/2 किलो आलू थे इस तरह क्यूब्स में बॉयल किए हुए 1/2 किलो आलू छिले बॉयल कर छो पानी खुश कर छो ठीक है पटाटा 1/2 किलो इनमें असा विझंदी जो टिक्का मसाला ठाओ यो 1 टेबल स्पून भरे 1 खाने जो चमचो बाकी बचाए रखंदी बाद में यूज थो इन मसाले में फिलहाल 1 खाने जो चमचो टिक्का मसाला अस पटाटन के लगाइंदी इन से गड 2 खाने जा चमचा दही 2 टेबल स्पून दही बॉयल आलू थे 1/2 किलो 2 टेबल स्पून दही टिक्का मसाला जो मैंने बनाया वो और यहाँ पे हम डाल देंगे इसमें 2 टेबल स्पून बेसन 2 खाने जा चमचा बेसन और इसको कर देंगे मैरिनेट अच्छी तरह मिक्स करेंगे और इसको आप साइड में रख देंगे ठीक है हे आहे टिक्का मसाला जेमां 1 खाने जो चमचो असा पटाटन के लगाई छड़ियो आलू को लगा दिया जर्दे का रंग मुझे कम लग रहा है तो मैं थोड़ा और मिलाऊंगा इसमें ठीक है थोड़ा सा और डाल दिया ताकि इसमें अच्छा सा फिर कलर आ जाएगा ठीक है इनके चंगी तरह मिक्स कंदासी मिक्स करें इनके साइड में रखी छो ठीक है आलू को हमने मिक्स कर दिया मिक्स करके साइड में रखा ये मसाला हमारा हो गया है तैयार इसको हम पीस लेते हैं जूसर मशीन में आलू हमारे हो गए तैयार वरी रिपीट कराए पे टिक्का मसाला जिला इनमें छाछा विधो है यो टिक्को मसालो पीठल गाढ़ा मिर्च 1 चाय जो चमचो कुटियल गाढ़ा मिर्च 1/2 चाय जो चमचो कुटियल कारा मिर्च 1/2 चाय जो चमचो लूण 1/2 चाय जो चमचो पीठल दाणा 1 चाय जो चमचो आई देगी गाढ़ा मिर्च ऑप्शनल है अगर आन तो 1 चाय जो चमचो विझो न तो उनके बगैर थी वो जर्दे जो रंग 1/2 चाय जो चमचो उनके अलावा अच्छो जीरो कुटियल पाउडर फॉर्म में 1 चाय जो चमचो गरम मसालो पाउडर 1/2 चाय जो चमचो हली वो उनका पो तमें
सब शयन के मिक्स करे साइड में रखो हुन में एक खाने जो चमचो बॉयल पटाटा वा अध किलो वडा पीसेस केल हुन में विझ छजो ब खाने जो चमचा दही ब खाने जो चमचा बेसन मिलाएं के मिक्स करे मु साइड में रखी ता छदू ठीक है। यहां तक का बता रहा हूं टिक्का मसाला पहले बनाया उसके लिए 1 चाय का चम्मच पीसी लाल मिर्च 1 चाय का चम्मच हल्दी पाउडर 1 चाय का चम्मच धनिया पाउडर आधा चाय का चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च आधा चाय का चम्मच कुटी हुई काली मिर्च जर्दे का रंग येलो फूड कलर हाफ टी स्पून और पेपरिका पाउडर है या देगी लाल मिर्च पाउडर है वो 1 चाय का चम्मच डालेगा। उसके बाद हमने डाल देना है काली मिर्च का पाउडर आधा चाय का चम्मच नमक आधा चाय का चम्मच सफ़ेद जीरा पाउडर बना के 1 चाय का चम्मच गरम मसाला पाउडर आधा चाय का चम्मच सब चीज़ें मिला के रख दी थी। उसमें से 1 खाने का चम्मच आधा किलो आलू थे बड़े पीसेस में बॉयल किया हुआ था उसमें मिला दिए 2 खाने के चम्मच दही मिला दिए 2 खाने के चम्मच बेसन मिला के मैंने रख दिया। ब्रेक पर जा रहे हैं और ये जो मसाला मैंने साबित फ्राई किया था इसको मैं ब्रेक के दौरान पीसूंगा ठीक है। इन मसाले के पीसे पेस्ट आया था पुलाव तैयार थे पर शॉर्ट ब्रेक तो ब्रेक का पहुंची रेसिपी कंटिन्यू करना से ब्रेक करने का पहली ताई सामू जगह रेसिपी टाइप है शारजा कुकिंग ऑयल सगर विटामिन ए ये डी का भरपूर लो कोलेस्ट्रॉल ओमेगा 3 मौजूद है एनएक्स असा सा गडा एनएक्स जी ब्रांड तमाम बेहतरीन है जे में जूसर ब्लेंडर चॉपर सा यूज करना हते भी मार्क यूज किया पियो आई पटाटन के मोहते मसालो लगाई रखी छड़ियो आई जो मसालो एक खाने जो चमचो लगायो ठीक है। 1 खाने के चम्मच मसाला इसमें डाला था आलू में दही डाली थी बेसन डाला था 2-2 खाने के चम्मच जो मसाला मैंने यहां पे फ्राई किया था हरा मसाला प्याज टमाटर हरी मिर्चें अदरक लहसुन वो 2 खाने के चम्मच पानी डाल के मैंने यहाँ पे पेस्ट बना लिया ठीक है। हे पेस्ट ठही वो 2 खाने के चमचे पानी विझी जूसर मशीन में एनएक्स जी उनमें वापस सागी कढ़ाई में पहले ऐसा 2 खाने के चमचे यूज कर हाँ वरी इतने हणंदी 4 टेबल स्पून ठीक है। अब हम लेंगे 4 टेबल स्पून ऑयल क्योंकि 6 टेबल स्पून टोटल ऑयल जाना था इसमें 4 टेबल स्पून ऑयल गर्म किया ठीक है। शारजा कुकिंग ऑयल 4 खाने के चमचा गर्म कर सागी कढ़ाई में ठीक है। हाँ इतने विझासी इतने विझासी तेज पत्तो 1 अदर डालेंगे तेज पत्ता 1 अदर दालचीनी ठीक है 4 अदर लौंग और 10 अदर साबित काली मिर्च ठीक है। छाछा वो इनमें साबित मसालो ऑयल गर्म कर 4 खाने के चमचा इनमें 1 दालचीनी 1 वो तेज पत्तो उनसा गड मोहन में विधा लौंग 4 अदद आई साबित कारा मिर्च इनमें 10 का 12 अदद लिया है जी खुशबू ठांडी ठीक है। इसका भगार आएगा खुशबू निकल के आएगी उसके बाद हम क्या करेंगे इसमें थोड़ा पानी मिला रहा हूँ पेस्ट गाढ़ा हो गया थोड़ा सा मैं इसमें पानी मिला दिया और ये पेस्ट हमने पूरा इसके अंदर डाल देना जब इसका भगार बन के आएगा ठीक है। जब इन जो दाग थी वो सुठी तरह खुशबू अच्छी वी ही सजो पेस्ट इनके अंदर हली वो पूरा पेस्ट आपने इसके अंदर डाल देना है थोड़ा पानी और डालते हैं पानी कुछ नहीं होता वो आप ड्राई भी कर सकते हैं लेकिन बहुत ज़्यादा पानी ना हो ज़्यादा से ज़्यादा 1/2 कप पानी आपका जाना चाहिए ठीक है। ये चला गया हमारा पेस्ट और पेस्ट को हमने 2 मिनट फ्राई करना है। ऑलरेडी ये मसाला फ्राई है जो प्याज टमाटर वगैरह फ्राई हुआ है लेकिन इसका पेस्ट हमने भूनना है ठीक है। जो पेस्ट ठाओ आई हाँ जो चिकन टिक्का मसाले मां 1 खाने जो चमचो आलू में विधो बाकी मुँह बचाए रखे इनके अंदर मिक्स कर चला सी ठीक है। जो चिकन टिक्का टिक्का मसाला था मैं चिकन टिक्का कह रहा हूँ जो टिक्का मसाला था वो 1 टेबल स्पून आपने इसमें डाल दिया आलू में बाकी जो बचा के रखा था वो हमने यहाँ पे यूज़ करना है फ्राई करने में ठीक है। ये हो गया इसको करेंगे फ्राई इसमें अब 1 कप पानी जाएगा टोटल ठीक है। हाँ 1 कप पानी विंदो ताकि ग्रेवी ठहे अब 1 कप पानी गया इसकी ग्रेवी तैयार हो रही है चूल्हा अब मीडियम करते हैं एक बॉयलिंग आने लग गई 3-4 मिनट ये ग्रेवी पकेगी उस दौरान हमने क्या करना है हरा धनिया चॉप करके इसमें डालना है कितना 2 से 3 खाने के चम्मच जितना थोड़ा सो सावा धाना थोड़ा इनके अंदर चॉप करे विझंदासी सावा मिर्च 2 अदद विंदा इनके मथा चॉप थियल लास्ट में हरी मिर्च चॉप करके रखते हैं और मज़ेदार ये टिक्का मसाला आलू हमारा हो जाएगा फ्राई और सिंधी पुलाव हमारा हो गया है रेडी ठीक है। इसको भी चूल्हा मैंने बंद कर दिया है 2 मिनट बाद इसे डिश आउट कर देंगे
फरजाना शाकिर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? मैं अल्लाह का शुक्र कह रही हूँ, माशाल्लाह बहुत अच्छा लग रहा है। ड्रेस तो बहुत पुराना है, 10 साल पहना है जी। कभी शराब कम पहनते हैं ना, इसलिए बोल रही हूँ मैं आपको। अच्छा आप पैंट शर्ट ज्यादा पहनते हैं ना। हाँ हाँ। रेसिपी आपकी माशाल्लाह सारी अच्छी और प्रोग्राम आपका बेहतरीन। थैंक यू। ये वाला हो सकता है पुलाव, सिंधी पुलाव में कल ट्राई करूं। जरूर कीजिएगा, बिल्कुल। हमारा बच्चा आ रहा है ना, तो मैं चलो लेके ट्राई करूंगी। बहुत मजे का ट्रेडिशनल हमारा पुलाव है, ये जरूर आपने ट्राई करना है। ठीक है, मैं बनाऊंगी, अच्छा लग रहा है। जरूर जरूर बनाएंगे। और आप ठीक ठाक हैं? आपके घर में सब ठीक ठाक? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल सब अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक है। और टीम कैसी है? टीम भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक है। अच्छा चलें ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा जी। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। अच्छा, इसमें बॉइलिंग आ रही, जो हमने पानी डाला था उसका कच्चापन खत्म करना है। ठीक है, जो पानी विधो जो कच्चोपन खत्म करना है। चावर कटू था उनका पहले बुधाई छा, चावर स्टोर कर दालू रखा है, उनमें गुणा पेजी वा कीड़ा पेजी वा, तो उन बेस्ट यो है कि तेज पत्ता 10-12 आदत विझी छो, उनमें लौंग 10-12 आदत विझी छो उनके अंदर। ठीक है, अगर 5-10 किलो चावर, 10-15 किलो चावर, तेज पत्ता काफ़ी सारा विझी छो, लौंग अद कप जितना भी विझी सको, था कि उनकी खुशबू का कीड़ा ना थी। ठीक है, लौंग आई बस ये ब शूँ विझ जो तेज पत्ता है लौंग। ठीक है, अगर दाल भी है उनमें विझ तो उनका, लेकिन मां ही वधिक क्वांटिटी में बताया पो, अगर 2-3 किलो आने तो उन हिसाब से थोड़ा विझो, 4-5 तेज पत्ता, पो जड़े भी ताकि दाल साफ करनी हो, चावल साफ करना, वापस कटी उन अंदर दबे में वापस विझना पे। ठीक है, इसमें बॉइलिंग आ गई, अब इसमें डाल रहा हूँ हरा धनिया, थोड़ा सा बचा के रखूँगा गार्निश के लिए। बॉइलिंग आ गई, हरा धनिया डाल दिया। ठीक है, बस इसमें आलू हम डाल के मिक्स करके निकालेंगे और जो हमारे राइस सिंधी पुलाव तैयार हो गया उसको हम डिश आउट कर देते हैं। बहुत ही मज़ेदार, अच्छा इसका जायका होता है, डिफरेंट सा जायका होता है, और सिंपल मसालों में ये तैयार किया हुआ है। ठीक है, सिर्फ कूट के मसाले जो डाले जाते हैं सॉफ्ट बनाते हैं इसको, बहुत ज़्यादा सेला वेला में ना बनाएं, बासमती चावल में ही ये अच्छा बनता है। ठीक है, इसको आराम से साइड से पहले खोलें, खोलने के बाद 2 मिनट छोड़ा करें, जब भी चावल निकालें इसको 2 मिनट छोड़ा करें, स्टीम निकल जाएगा। स्टीम निकलने के बाद क्या होता है, चावल अपनी जगह पे सेट हो जाता है। जडे भी पुलाव ठाईंदा हो स्टीम उनकी कटी वठंदा कियो, 2 मिनट का पो कटंदा कियो, स्टीम जडे निकरी वने न तो छाती चावल उनका टुटी पैंदा। इनमें बॉइलिंग अचे पई हाँ, ये जो तिक्का मसाले में आलू भी असा रखल हुआ इतने मिक्स करें, ये आलू हमने इसमें डाल देने मसाले में, ग्रेवी की तरह बनाना है क्योंकि वाइट राइस के साथ बहुत अच्छा लगेगा, पराठे के साथ बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, इसको करेंगे मिक्स, टिक्का मसाला आलू, अब इसको एक बॉयल आने दें, ज़्यादा स्पून ना चलाएं क्योंकि आलू हमारे ऑलरेडी बॉयल हैं। ठीक है, पटाटा असाजा ऑलरेडी बॉयल हैं, तो इनमें वधिक चमचो ना हलाजो, बस इनके बॉयल थे दो, 1-2 मिनट का पोइंट कटी वी। सिंधी पुलाव असो तैयार, बहुत ही मज़ेदार सिंधी पुलाव। इसको डिश आउट करते हैं, तेज पत्ता वगैरह हटा दिया करें जब पुलाव निकालते हैं। ठीक है, बिल्कुल ओरिजिनल रेसिपी है, ट्रेडिशनल रेसिपी उसी तरह मैंने बनाया। आलू अगर बीफ या मटन में बनाएंगे तो फिर आपने पहले बीफ को गला लेना है। ठीक है, प्याज के साथ भून के उसके बाद आपने वो प्रोसेस करना होगा जी। मिसेज अली मोहम्मद हैं सखर से, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। अदीचा हां ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, कहां की आयो? अदीचा प्रोग्राम माशाल्लाह सुठो आ, मेहरबानी। रोज जो दाम आ रहे जो तो पा रहा है धनी भाई। अच्छा लाइट हली भाई, जल्दी करी वन बेह बुधाया कि बॉयल करण का बेहतर है, अगर पालक से ठाईंदा हो साग से गड तो उन से गड विझंदा कि वो जल्दी गरी वेंदा है, या तो हां गोश्त में न था गरन, पो बेहन के कुकर यूज कंदा हो? जी जी, कुकर में जडे गोश्त विझंदा है उन से गड विझी छंदा कि अच्छा। हाँ पोछा थी कि गोश्त अस 10-12 मिनट में गरी वो है कुकर में सीटी लगाई है, तो उन दौरान तह बीह भी गरी वा। ठीक है जी, अदी हाँ लाहौरी लूण जो हों, हाँ 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 भी थी, सॉरी मैं बुधा यो भी विशेष भी थी, वो भी तुम गंड विझी सो ना। हलो ठीक है, दिन बुधी वरत हों तो भी तुटो टोट हलो मेहरबानी। सुबह जो रिपीट हलन 12 बजे ठीक है,
पेज लाइक करी वठो, फेसबुक तक को यूज कंदो होंदो ना घर में। हां जी जी जी, फेसबुक ते मुजी रेसिपीज आइन, यूट्यूब ते सजो प्रोग्राम्स आके मिली वेंदा डेली रात जो। आमीन आमीन, जजाक अल्लाह। मेहरबानी अदी, तमाम घणी पंजो खोर सारो ख्याल रखजो, ठीक है? मेहरबानी, अल्लाह हाफिज़। अच्छा अल्लाह हाफिज़। ये हो गया हमारा सिंधी पुलाव, ठीक है? सिंधी पुलाव असो तैयार गो आलू ठाया तिक्का आलू, ठीक है? ये जरूर आपने ट्राई करना, तिक्का आलू बहुत मजे की रेसिपी है। तिक्का मसाला आलू इनके अच्छे चावर से खाई, इनके पराठन से अगर खाई तटा सुा लगता, बिल्कुल डिफरेंट किस्म की रेसिपी लगती, ठीक है? ग्रेवी के साथ बनाया है, ड्राई भी बना सकते हैं लेकिन ग्रेवी के साथ बहुत मजे के लगते हैं ये। वेजिटेरियन फैमिलीज ला तमाम बेहतरीन है ये रेसिपी। ग्रेवी कम करना चाहें तो कम भी कर सकते हैं, लेकिन ये पूरी फैमिली मेंबर के लिए, जैसे आराम से 6 से 8 अफराद के लिए आराम से आप लोग खा सकते हैं, ठीक है? ग्रेवी है जैसे हम दाल खाते हैं राइस के साथ, तो इस तरह आप ये वाली रेसिपी भी खा सकते हैं, ठीक है? जी अस दाल खाई उन्हीं तरीके से तुम यह ग्रेवी भी खाई सको था चावल। टिक्का मसाला भी मिलन है लेकिन इन तरीके से ठाए जो वो मसालों भी तुम विझी सको था, लेकिन मना विझन है तेज पत्तो हटाई था चढ़ विझा, ठीक है? तो अपना मसाला ये आप बनाएं, और ये टिक्का मसाला आप चिकन में भी यूज कर सकते हैं, ठीक है? चिकन में भी ये टिक्को मसालो तुम यूज कर सको था, अगर तुम चिकन टिक्का ठाण चाहो तो यो जो होम मेड तक मसालो बुधा ये तुम चिकन टिक्का में भी यूज कर सको था, ठीक है? ये असि अजोकी रेसिपी थी वही कंप्लीट, टिक्का मसाला उनसे गड सिंधी पुलाव। इंशाल्लाह सुभाने भी मज़ेदार रेसिपी चाहिंदासी, ताजी फरमाइशों भी पूरी कंदी रहंदासी, ठीक है? काफ़ी सारी वैरायटी आ है। अब ऊपर से थोड़ा सा हरा धनिया हरी मिर्च चॉप करके डाल दें और ये हमारी रेसिपी हो गई डन, ठीक है? ये असि रेसिपी थी वही कंप्लीट, टिक्का मसाला आलू उनसा गड ठाया सिंधी पुलाव, ठीक है? टिक्का मसाला आलू और सिंधी पुलाव, ये आपके लिए मैंने दोनों रेसिपीज़ बनाई हैं, इनको ट्राई कीजिएगा। कल 12 बजे रिपीट चलेगा, कुकिंग विद शेफ फैसल मेरा पेज है फेसबुक पे, वहीं रेसिपी अपलोड हो जाती है। वीडियो देखने के लिए सर्च करें कुकिंग विद फैसल यूट्यूब पे, उसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएँ, लाइक करें, आपको सारी रेसिपीज़ की अपडेट्स मिलती रहेगी। कल की रेसिपी भी मज़ेदार बनाएंगे, ज़रूर देखिएगा, और इंशाल्लाह कल आपसे मुलाकात होगी। सुभाणे 12 बजे रिपीट हलंदो, कुकिंग विद शेफ फैसल जो पेज है उत्तर रेसिपी अपलोड थी फेसबुक से, उनके भी लाइक कर, उनके अलावा यूट्यूब से वीडियो दिसन ला सर्च कंदो कुकिंग विद फैसल, अजो को प्रोग्राम भी रात जो 8-9 बजे तक अपलोड थी वेंदा सेम डे, ठीक है? कुकिंग विद फैसल सब्सक्राइब जो बटन जो गाड़ो उनके भी दबाए जो, बेल आइकन जो भी बटन दबाए जो। इंशाल्लाह सुभाणे तां सां मुलाकात थी नई रेसिपी से, अगर मज़ेदार वो रेसिपीज होंगे उनमें फरमाइशों भी हैं। खोड़ सारो ख्याल रखो, दुआन में याद रखो, अल्लाह हाफिज़। हाणे कुकिंग विद फैसल जा तमाम शो दिसो HD क्वालिटी में, विजिट करियो असां जो यूट्यूब चैनल सिंटीवी HD कुकिंग शो।